दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल पर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एमएस एक्सेल ओपन कर रखा है। तो अभी हम सबसे पहले किसी भी सेल में आज की डेट 12/11/2021 मेंशन कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इतना करने के बाद अब इसी के नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जैसे अभी हम अपनी डेट ऑफ बर्थ 2/6/1999 मेंशन करके इंटर कर देते हैं। इसके बाद अब हमें डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। तो देखिए, एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करना है। पहले इक्वल टू लगाना है, उसके बाद डेट डिफ टाइप करना है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद करंट डेट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद डबल कोट्स लगाना है, उसके बाद वाई मेंशन करके डबल कोट्स लगा देना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, अब अगर इंटर को प्रेस करेंगे बस मालूम हो जाएगा कि आप कितने साल के हैं। लेकिन शायद आपके कंप्यूटर पर कुछ प्रॉब्लम आए। जैसे देखिए, अभी हम इंटर को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो दोस्तों, आपको भी यही प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है और सिंपली इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद दोबारा से इक्वल टू लगाना है, उसके बाद डेट डिफ टाइप करना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए पिछली बार हमने पहले करंट डेट सेलेक्ट किया था, अब ऐसा नहीं करना है, बल्कि पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस वही करना है। तो कॉमा लगाना है, उसके बाद करंट डेट को सेलेक्ट करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है, इसके बाद डबल कोट्स लगाना है, इसके बाद वाई को मेंशन करके डबल कोट्स लगाना है, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फार्मूला बता रहा है कि आप 22 साल के हैं। ओके, तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप कितने ईयर के हैं ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि आप कितने मंथ के हैं। तो देखिए, इसी सेल पर कर्सर को रखिए, उसके बाद F2 को प्रेस करके इसको एडिट करना है, उसके बाद यहाँ पर Y को रिमूव करके M लिख देना है, इसके बाद सिंपली इंटर को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बता रहा है कि आप इतने मंथ के हैं। ओके, मान लीजिए आपको मंथ भी ना चाहिए बल्कि डेज चाहिए, तो इसी पर डबल क्लिक करके इसको एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पर डेज के लिए हम डी को मेंशन करके इंटर को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि आप इतने दिनों के हो चुके हैं। ओके, तो दोस्तों इसी तरह आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और टिप्स जानेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।